तो चैलेंज के लिए तैयार है तू? ये तो हमें तुमसे पूछना चाहिए, तुम तैयार हो अपने चैलेंज के लिए? तो ठीक है, मैं तुझे कमरे में बंद करूंगी, अगर दम है ना तो बिन्नी के सिकंजे से निकल के दिखा तू। बंद तो बाद में करना, पहले पकड़ के दिखा। ये ले, अभी पकड़ लेती हूँ। छोड़ो, अरे छोड़ो मुझे, अरे क्या देख रहे, पकड़ो उसे। चाहे कुछ भी हो, चाहे इस भोकाल देवी को बचकर जाने ना दूंगी मैं। फंस गई मारे जाल में। माँ, तो अब तू यहां अंदर और मैं बाहर। दम है तो निकल के दिखा बाहर। दरवाजे पर नजर रखो। यो क्या, इसकी सोच भी बाहर ना जानी चाहिए यहां से, समझी? आज करूंगी इस भौकाल देवी की सारी गलतफहमी दूर। नजर रखो। बाहर कैसे निकले? अगर निकल नहीं पाए तो करुणा का इल्जाम हम पर आ जाएगा। 30 मिनट हो गए, बिन्नी के शिकंजे से अब तक निकल नहीं पाई वो करिश्मा सिंह। यो ही तो मैं कह रही हूँ जिजी, बरगला रही थी वो करिश्मा सिंह तने उल्टे सीधे पहाड़े पड़ा के, और वो करुणा उसे भी उसी ने गायब करवाया है उस हसीना मलिक के साथ मिलके। जब उसकी पोल खुली ना तो सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया उसने, और हमारी सिक्योरिटी में भी कोई कमी ना थी। तो फिर हम कैसे बाहर आए? तो क्या कहती हो डंबल क्वीन, तुम्हारी अभेद व्यवस्था को भेद कर हम तुम्हारी आंखों के सामने खड़े हैं? या तो हमको भूत मान लो या अपनी भूल मान लो। मान लो कि चूक तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था से हुई है, हमारी वफादारी से नहीं। सही कहा तूने डार्लिंग, चूक हमसे ही हुई है, हमारी ही सिक्योरिटी वीक थी और इसी बात का हसीना मलिक ने फायदा उठा लिया। तू बिल्कुल निर्दोष है। बेकार में बिन्नी तूने इस पर गलत इल्जाम लगाया, चल माफी मांग। पर शिवानी, ताई, न्याय का तकाजा क्या कहता है कि जिसने गलती की है वो माफी मांगेगा। माफी मांग। सॉरी। हमें इसका सॉरी चाहिए ही नहीं, हमें सॉरी नहीं, हमें गारंटी चाहिए इस बात का कि फिर कभी ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे चिंगारी गैंग, इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा संगठन, और सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, चूहे के ढीले पिंजरे जैसी। कोई भी आ रहा है, कोई भी चले जा रहा है। सुरक्षा ऐसा होना चाहिए कि बाहर का कोई भी इंसान तुम्हारे परमिशन के बिना अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ के कैदी का आत्मा तक बाहर नहीं जानी चाहिए तुमसे बिना पूछे। ऐसा सख्त होना चाहिए व्यवस्था, एकदम स्ट्रिक्ट, तब जाके कहलाएगा तुम्हारा चिंगारी गैंग का शिकंजा। समझ रही हो हमारी बात को तुम? बिल्कुल ठीक कहा तूने भोकाल देवी, ऐसा ही होना चाहिए और अब ऐसा ही होगा। आज से चिंगारी संगठन के सुरक्षा की जिम्मेदारी तेरी। पर जीजी, बिन्नी, संगठन के ऊपर कुछ नहीं, फिर वो चाहे तू हो, मैं रहूं या कोई और। अगर मैं भी तेरे जगह होती तो शायद यही फैसला लेती। कीमत हुनर की नहीं,
उसे सही जगह इस्तेमाल करने वाले की होती है। और इसके लिए सही हुनर यही है। आज से चिंगारी संगठन के सुरक्षा की जिम्मेदारी करिश्मा सिंह की। लेकिन उससे पहले एक जरूरी रस्म पूरी की जाए। आज से तू सिर्फ चिंगारी गैंग के विचारों की समर्थक नहीं, खुद चिंगारी बन चुकी है। हम में से एक चिंगारी। ये मरून रंग तुझे चिंगारी गैंग के प्रति तेरी वफादारी और समर्पण की याद दिलाता रहेगा। याद दिलाता रहेगा वो न्याय और अन्याय की लड़ाई जो हमें साथ में लड़नी है। लेकिन ये हम कैसे, मतलब बाहर तू वही रहेगी जो औरों के लिए है, करिश्मा सिंह, वर्दी वाली। तू बाहर वर्दी पहन सकती है, लेकिन जब तू रंगरेज गली में रहेगी तब तुझे मरून रंग पहनना पड़ेगा, ताकि तुझे तेरी वफादारी का एहसास होता रहे। इसे देखकर मुझे विश्वास होगा कि अब तू भी हम में से एक है। सोच क्या रही है करिश्मा सिंह, अब यही तेरी पहचान है, संभाल इसे। हमारे फर्ज के लिए इस चिंगारी गैंग की वर्दी को अपनाना होगा। हाँ, मिलना है। कब मिलना है? हाँ अभी। हाँ लेकिन अभी? अभी इसी वक्त। बहुत ज्यादा मूड खराब है हाँ मेरा। कोई चाहिए जिसके सामने अपनी मन की भड़ास निकाल सकूं। कोई चाहिए जिसके सामने मैं सब कुछ बक सकूं जो मेरे मन के अंदर चल रहा है। मिलोगे बोलो? हाँ मतलब मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे अचानक से ना। हाँ ठीक है, 10 मिनट में मिलते हैं उसी रेस्टोरेंट में जहाँ पहले मिले थे। चलो ठीक है, मैं निकलती हूँ। ठीक है। क्या चल रहा है पुष्पा जी? जासूसी, हम चीते की बातें सुन रहे थे। क्या? हमने क्या हुआ चीता चतुर्वेदी, क्या बात है, सब ठीक? बस ये कह रहे थे मैडम सर कि एक जरूरी काम आ गया है, वहीं जाना था, तो अगर आपका परमिशन होता तो मैडम सर चले जाते हम। हाँ हाँ ठीक है जाओ, लेकिन ऐसा क्या अर्जेंट काम आ गया? क्या काम है, कहाँ जाना है बोलो। मैडम सर वो एक वो गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है मैडम सर, वो तो बस ऐसे ही दोस्त है। अच्छा दोस्त है, मतलब जैसे हम और नवाब साहब? ना बिल्कुल भी नहीं, आपके और नवाबुआ के जी सब बिल्कुल भी दोस्त नहीं है हम लोग, बस ऐसे ही मैडम सर। अच्छा अच्छा, मतलब कोई लड़की पसंद आ गई तुमको? ठीक है कोई बात नहीं, नाम क्या है लड़की का? उसका नाम बबीता है मैडम सर। बब्बो। अच्छा ठीक है जाओ जाओ, लेकिन जरा अच्छे से तैयार होकर जाना, लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है जब कोई उनके लिए खास तैयार होता है। ठीक है मैडम सर। देख बिल्ले, ये बात तो सिद्ध है ना कि झूठ के बुनियाद पर सच्चाई का इमारत नहीं बन सकता है। भाई उस लड़की से मिलने जा रहे हैं, आज हम उसको सारा सच बता देंगे
कि हम कौन हैं, कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या ना, सब कुछ एकदम प्योर। ठीक है, बता दे सच बता दे, क्योंकि प्यार की बुनियाद सच पे ही है। बता दे तू 10वीं में 3 बार फेल हो चुका है। बता दे सारे मोहल्ले के दुकानदार का तू कर्जदार है। बता दे पैसे बचाने के चक्कर में तू छेद वाले कच्चे पहनता है। बता दे निठल्ले, बता दे। रे रे चुप ना रे चितकबरा टकला दानव, कभी तो कुछ अच्छा बोल दे, कभी तो मुंह खोल तो गोबर फेंकना बंद कर। ए ए निठल ए, रे दिक्कत के है थारी, मारा पीछा क्यों कर रहा है तू? पीछा तुम्हारा? हमको ना समझ में नहीं आ रहा कि अचानक से इतना ज्यादा मनहूसियत के साथ ना कैसे डील करें। हम फोन पर ही पका रहा है, यहाँ पर तुम आ गई, तुम हैं, तुमको क्या लगता है तुम्हारा पीछा करेंगे हम? तुम्हारी भी इतनी फूटी किस्मत ना है समझा कि मैं तेरे जैसे आदमी का पीछा करूं। मैं भी यहाँ किसी और से मिलने आई हूँ। अरे जाओ ना यार, हटो। अरे तुम जाओ ना। हट, बकवास करा लो। पता नहीं कहाँ रह गई। हेलो, अब कहाँ हो, कहाँ तुम? मैं तो यहाँ पहुँच चुकी हूँ रेस्टोरेंट में, मरून रंग के कपड़े पहने हैं मैंने, तुम कहाँ हो? मरून कपड़ा मतलब कि काले रंग का ब्लाउज पहनी हो क्या तुम? हाँ हाँ हाँ, वही। तुम यही हो क्या? तुम कहाँ हो, तुमने क्या पहना है? नहीं नहीं, अरे हम ना गलत पता पर पहुंच गए, रेस्टोरेंट की जगह ना ईटा का भट्टी में आ गए हैं। क्या? अच्छा ठीक है, तो तुम जल्दी से आ जाओ रेस्टोरेंट पे, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। बहुत अच्छे, वेट करो, बैठे रहना, इंतजार करना। हाँ, मेरा तुम्हें, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। क्या कर रहे हैं हम? वर्दी के लिए वर्दी का स्वांग रच रहे हैं। मैडम सर को पता चलेगा तो कहाँ होगा? क्या यकीन दिला पाएंगे कि हमने जो किया है वर्दी के लिए ही किया है? जय हिंद मैडम सर, आप यहाँ, मतलब सब ठीक है ना? कोई कुछ बात हुआ का? क्या बात है, आपको क्या लगा कि आप नहीं बताएंगी तो हमें पता नहीं चलेगा? लगता है मैडम सर को पता चल गया है कि हम चिंगारी गैंग में शामिल हो चुके हैं। अरे क्या कर रही हो भाई, मैडम सर आई हैं, उनको अंदर तो ले लो। क्या ये दरवाजे पर सारी राम कहानी सुननी है क्या तुमको? हाँ माफ कीजिएगा, आइए अंदर आइए। मैडम सर आइए आइए। और क्या है, दरवाजे में पहाड़ बनके क्यों खड़ी थी तुम? मैडम सर आप बैठे ना, हम जरा नए कपड़े लेकर आए ना, वो रख कर आते। तो आखिरकार आपको पता चल गया मैडम सर? हाँ वो तो पता चलना ही था, लेकिन बुरा हमें इस बात का लग रहा है करिश्मा सिंह कि ये बात हमें आपसे पता चलनी चाहिए थी, जो हमें किसी और से पता चली। आपने सोचा नहीं कि जब हमें पता लगेगा तो हमें कितना बुरा लगेगा? मैडम सर हम आपको बताना हम चाह रहे थे, बहुत बार हम सोचे कि हम खुद से बताएं, लेकिन पता नहीं वो हिम्मत नहीं हो रहा था कुछ। किससे पता चला आपको ये बात? बिल्लू ने बताया। बिल्लू? पर बिल्लू को कैसे पता चला ये बात? अरे वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा, आप दोनों साथ में ही थे ना। आपने ही कहा ना बिल्लू से कि आपकी तबीयत खराब है, आप घर जा रही हैं। तबीयत हमारी? नहीं करिश्मा सिंह, हमारी ऑफ कोर्स आपकी। आपने हमें खुद क्यों नहीं बताया? अच्छा हमें नहीं बताती तो कम से कम आप पुष्पा जी को बता देती, पता है कितनी टेंशन में आ गई थी वो। और अगर इस सब के बीच में आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती तो? नहीं वो इतना गंभीर, मतलब हल्का फुल्का बस वो चक्कर आ गया था तो हम इसलिए आ गए, आपको परेशान नहीं किया। वैसे आप वो चिकारी गैंग के चक्कर में बहुत परेशान चल रही है ना मैडम सर, अब इसका भी हल्कान करते तो आपको और टेंशन आ जाता है, इसलिए हमने
नहीं बताया, ठीक है हम। करिश्मा सिंह देखिए, हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप भी चिंगारी गैंग को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। इनफैक्ट पुष्पा जी ने हमें बताया कि जब से ये सब शुरू हुआ है तब से आप ना ठीक से सो रही हैं, ना ठीक से खा रही हैं, आपकी तबीयत भी नासाज रहती है। एक काम कीजिए, आप 2-3 दिन की छुट्टी ले लीजिए और आराम से रिलैक्स कीजिए, भूल जाइए कि कोई चिंगारी गैंग है, कोई झगड़ा है, कोई परेशानी है, सब कुछ ठीक है। अब जी जी मैडम सर, गुड। करिश्मा चलिए। क्या हुआ पुष्पा जी? कहाँ हो? कहाँ हुआ, कहाँ है, कहाँ हुआ? क्या है ये चिंगारी गैंग की साड़ी है ना, वो हमारी अलमारी में क्या कर रही है? अरे जवाब दो। अरे एक मिनट, क्या मतलब जितने काले सब मेरे बाप के साले? नहीं, मेहरून कलर का कॉपीराइट हो गया क्या चिंगारी गैंग का? नहीं, और एक सेकंड, आप हमारी अलमारी में काहे झांक रही थी, काहे झांक रही थी? काहे मतलब वो सलवार लाए थे वो रख रहे थे, और वैसे भी आधा हिस्सा हमारा है। तो आधे में मत झांका कीजिए जो हमारा हिस्सा है। और ये मैडम सर, ये तो हम ये देखिए, ये साड़ी देख रही है, ये ब्लाउज उसके साथ पहनने के लिए हम लाए थे, हम देख रहे थे कौन सा जचेगा कौन सा नहीं जचेगा। तो फिर इसके साथ रखना था ना, इस साड़ी के साथ क्यों रखा? अरे भैया, अलमारी अलमारी, हमारा साड़ी हमारा ब्लाउज, हम जहाँ मर्जी रखे, आपको क्या दिक्कत है? हम आपसे पूछते हैं कि आप अपना खाने का सामान अंदर अलमारी में काहे रखती है? पूछा कभी हमने आपसे? ये जो कलर है ना, ये पसंद है हमको, जचता है, जब हम इसको पहनते तो हमें ऐसा लगता है हम पे जचता है, इसलिए हम लाए थे। हटिए आप, हटिए। कुछ भी पुष्पा जी, करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं पुष्पा जी, आपने कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस ले लिया है। अब जो भी इंसान इस दुनिया में मरून कलर की साड़ी पहनेगा वो चिंगारी गैंग का हिस्सा हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ऐसे चिल्लाई, ऐसे बात कर रही हैं जैसे करिश्मा सिंह ने चिंगारी गैंग को ज्वाइन ही कर लिया। करिश्मा सिंह जैसी पुलिस ऑफिसर ऐसा कुछ करने के बारे में कभी सोच ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हाँ वैसे हमें भी यकीन है, मगर वो साड़ी की बॉर्डर और ब्लाउज का रंग। मैं ऐसे तो हम शिवानी के पास जाने में लेट हो जाएंगे। तुम्हारा पाप का बही खाता भर चुका है, अब उस पे मौत की मोहर लगाने आया हूं मैं। मैं गंगा गंगा गंगा। करिश्मा मैडम, आप यहां नीचे क्या कर रही है? क्या बोल रहे थे? यहां आप नीचे क्या कर रही है? हाँ अब हुआ ना लेवल का सवाल, तुम ये मगरमच्छ लिए कहां रेंग रहे हो बे? ये बच्चा ना है गंगा जमुना सरस्वती का बच्चा, मगरमच्छ स्ट्रगल टू मच हो गया। बाइक उठा। ये मगरमच्छ उठा के रखा है, बाइक भी कैसे उठाए? अवान से एक्सक्यूज मैम जी, ये मगरमच्छ पकड़ो, बहुत हल्का है, डोंट वरी। और सुनो या, अपनी ये कैची जैसी जबान को बंद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम हम यहाँ टकराए हैं, ठीक है? अरे एक मिनट, ऐसे कैसे आपके हाथ में और कुछ? आपका बैग, बैग लेके जाइए आपका, ये कॉस्ट्यूम, ये अब ये क्या कर दिया आपने? करिश्मा मैडम ये क्या है, मतलब मैडम सर की टीम छोड़कर आप चिंगारी गैंग में शामिल हो गई? कह दो कह ये झूठ है, कह दो ये सच नहीं है। ये सच है। एम्बुलेंस एम्बुलेंस। आओ बिल्ले, तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारा अकल भी उड़ गया क्या तुम्हारे खोपड़े से? पुलिस वाले होके क्रिमिनल का साथ देंगे ऐसा लगता है तुमको? तो ये गिरगिट देखा है? गिरगिट हाँ, जब वो शिकार करने जाता है जहां पर भी होता है वो वैसा रंग अपना लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए और वो अपना शिकार का शिकार अच्छे से कर पाए। हम भी चिंगारी गैंग का रंग अपना कर चिंगारी गैंग के अंदर शामिल होकर अपने प्लान का पता किसी को नहीं करवाना चाहते हैं और उनकी जड़ों को ना एकदम खोखला करना चाहते हैं, क्या समझे? ओके ग्रेट प्लान, बट मैडम सर
मैडम सर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हमें ये नहीं करने देंगी जो हम करना चाहते हैं। और अगर उनको कहीं से भी पता चला, किसी से भी पता चला बिल्ले, तो हम यही समझेंगे कि तुमने उनको बताया, और फिर उसके बाद हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये हमें तुमको बताने का जरूरत नहीं है। मेरी आई कहती थी, काबिल इंसान कभी अपना पद नहीं चुनता, पद ही अपना काबिल इंसान अपने आप चुन लेता है। जैसे कि इस मरून रंग ने अपना काबिल इंसान चुन लिया। बहुत अच्छी लग रही है करिश्मा सिंह, बधाई हो। अब तू पक्की वाली चिंगारी लग रही है। सौभाग्य हमारा, यही तो चाहते थे हम। चल मेरे पीछे बोल इस स्कैंडल पे हाथ रख के कि मैं शपथ लेती हूं चिंगारी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगी। हमें आप पर कभी शक करना ही नहीं चाहिए था, ये हमारी गलती है। आप जैसी वफादार पुलिस ऑफिसर से हम आज तक कभी नहीं मिले। मैं ऐसा है करिश्मा सिंह, ये शपथ लेती हूं कि भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति मैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी। इम्तिहान की घड़ी बहुत मुश्किल होती जा रही है, अब हम क्या करें?